वेलकम बैक टू मूनशाइन। आई एम स्वाति। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये ब्लॉग किस चीज़ के लिए है, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं गणपति अपने घर पर लेकर आ रही हूँ, उसकी पूजा करने वाली हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इस वक्त ही मुंबई में हूँ, तो यहाँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, तो इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कैसा होता है, और हम चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हम करें और अपने घर पर लेकर आए। सो उसी की तैयारी हम लगे हुए हैं। तो आज हम जाने वाले हैं मार्केट, और वहाँ पे हम गणपति की मूर्ति भी देखेंगे, साथ में हम उनके लिए मार्केटिंग भी करेंगे पूजा के लिए एंड डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको डेकोरेशन से लेके हर चीज़ आपको दिखाने वाले गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ी देर में हम मार्केट के लिए निकलने वाले हैं, तो मैं बस रेडी हो रही थी, तो मैं सोचा कि मैं ब्लॉग आज से स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए गाइस। आपको अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे नए आने वाले एक्साइटिंग वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू रखिए और देखते जाइए। गणेश गणपति पप्पा के लिए ठीक है पूजा का। तो गाइस, हमारे घर के पास में ही एक बहुत ही अच्छा शॉप था, एक दो तीन बहुत सारे थे वैसे, तो हमने सब जगह पे देखा, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति थी, लेकिन अधिकतर सारी मूर्तियाँ जो थी बुक हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट गए थे, दैट्स वाई। और हमें जो साइज़ का चाहिए था, हमें जो साइज़ का मतलब मूर्ति लेना था भगवान जी का, वो नहीं मिल रहा था, उस साइज़ में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, सब बुक हो चुकी थी। अब देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति है, बहुत ही सुंदर सुंदर से, इतना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। तो बस हमें एक दो दुकान और खोजी, उसके बाद हमें मिल गए हमारे घर पे थी, और हमने उसे किया, तो वो मैं नहीं खाऊँगी, वो आप एक ही बार देखना। ज़्यादा मतलब भीड़ भी था और मिल भी नहीं रही थी हमें हमारे साइज की, तो उसको दिए छोटे छोटे से मोस्टक भी बनाए हुए थे इन्होंने, लेकिन वो भी सारे बुक हो चुके थे, कुछ भी नहीं मिल रहा था जल्दी। बट हमें लकीली बहुत ही खूबसूरत गणपति जी मिल गए, हमें जैसे चाहिए था सेम वैसे ही मिल गया हमें, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मूर्ति बुक करने के बाद गाइस हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थे डेकोरेशन के लाइक एंड पूजा के सामान सब कुछ यहाँ मिल रहा था यहाँ पास में। हाँ, ये आपका पवई मार्केट होगा, तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है ठीक से, बट यहाँ पे बहुत ही सब कुछ मिल रहा था, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, आप देख सकते हो इतना सुंदर सुंदर है। तो हम उसी हिसाब से मैचिंग करके अपना जो थाट्स है हम लोग देख रहे थे कैसा क्या अच्छा लगेगा, तो हम उसका शॉपिंग कर रहे थे, वो सब कुछ आपको दिखाएँगे। तो मैडम कायरा पूरी शॉपिंग के मूड पे है, आप देख सकते हो। यहाँ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लटकन थे, तो बहुत ही सुंदर लगता है, हमने ये वाला परचेज किया जो दीदी पकड़ी है। बहुत ही रस था, बहुत ही भीड़ भी था उधर साइड, तो हम इधर भी आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा था। तो ये हमने करने के बाद में शूट नहीं कर पाए डेकोरेशन करते, क्योंकि उस दिन मेरा फास्टिंग था गाइस, तीज का।
कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको डेकोरेशन कैसा लग रहा है। मैं बहुत सिंपल बहुत ही सोवर टाइप का सोचा था और वैसे ही। हेलो गाइस, तो अभी सब कोई गए हैं गणपति बाबा को लेके आने के लिए और मैं अभी घर पे हूँ। मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ उनकी स्वागत के लिए। मैं नहीं गई क्योंकि मैंने फास्टिंग भी किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई। तो अभी सब जस्ट आते ही होंगे, तो मैं जा रही हूँ फटाक से आरती की थाली रेडी करती हूँ और मैं उनकी स्वागत करती। तो हमने कितने अच्छे से गणेश जी का स्थापना कर दिया है, उन्हें अच्छे से बैठा दिया है। अभी वहाँ से आप इसको मतलब अभी नहीं हिलाना है, आप वहाँ पे रख दिए हो। अब कल जब पूजा होगा तो उनका जो कवर हम किए हैं उन्हें निकालेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे गणपति का फोटो। सो वी वेट। तो गाइस सुबह हो गई है और हमने सब कुछ रेडी कर दिया है लगभग, और पूजा की लगभग तैयारी हो चुकी है। थोड़ी बहुत बाकी है, वो चली रही है, वो हम कर रहे हैं, सब देख सकते हो। प्रसाद वगैरह भी हमने बना लिया है, सब कुछ रेडी हो गया है गाइस। अब थोड़ी देर में हम पूजा चालू करेंगे, तो बस हम सब रेडी होने जा रहे हैं। तो गाइस पूजा हो गई है, बट मैं अभी आरती का वीडियो डालूंगी। तो आरती का वीडियो सुनिए, ये सुबह की आरती है फर्स्ट। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, सखी पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस जो आरती थी वो शाम की आरती थी, बहुत ही अच्छे तरीके से हुई, सबने मिलके किया आरती, बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और आप देख सकते हैं हमारे गणपति जी कितने क्यूट और बहुत सुंदर से हैं। कैसे लगे आपको कमेंट ज़रूर करिएगा और गणपति बप्पा की जय ज़रूर कमेंट में लिखिएगा।
गाइस हमारा जो डेकोरेशन है जो सब कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने बहुत अच्छे से पूजा उजा हो गया और सब कुछ अच्छे से हुआ। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है और लाइटिंग भी बड़ी परफेक्ट हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर गाइस हमारे गणपति जी के जाने का टाइम आ गया है, हम बहुत सैड थे जाने की लास्ट आरती थी गणपति जी की। तो यह हमारे बिल्डिंग के पीछे ही यहाँ पे विसर्जन हो रही थी, सबको लेकर आए थे विसर्जन के लिए। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस मोमेंट में, बट क्या कर सकते हैं। तो बस हमें यहाँ पे मुँह रख के आरती करके फिर हमें विसर्जन करना था। बहुत लोग आए थे, बहुत जन आए थे, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा उनका ये था, बहुत ही अच्छे से वो विसर्जन करवा रहे थे। अभी हो रहा है विसर्जन। बहुत ख़राब लगा इस मोमेंट में देख के कि गणपति जी जा रहे हैं, हमें आंखों में आंसू आ गए, बहुत ही ख़राब। तो हमारे गणपति जी के विसर्जन हो गया गाइस, कोई बात नहीं भगवान जी, नेक्स्ट ईयर हम फिर से आपको लेकर आएंगे बहुत धूमधाम से और भी अच्छे तरीके से सब कुछ करेंगे। अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिएगा गणपति जी। और हाँ गाइस, मैं थोड़े बहुत फ़ोटोज़ जो हमने लिए थे वो सब शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। एंड हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक छोटा सा जो बेल आइकन होता है गाइस उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए जो भी एक्साइटिंग वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो बाय गाइस, टेक केयर, हैप्पी गणेश चतुर्थी।